हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, पहले वो काम करके आते हैं और चलिए मैं भी आप लोगों को वहीं पर ले चलती हूँ। तो वो काम करने के बाद फिर घर आकर मैं आप सभी को जितने इतने दिनों से कमेंट्स आ रहे थे ना, सारे आज आप लोगों को उनके आंसर मिल जाएंगे। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक की बटन को भी दबा दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं एकदम तैयार हो गई हूँ और पहनती हूँ। आज देखिए मैं कितने तैयार हूँ, मतलब कहीं जब जाना होता है ना तभी मैं तैयार होती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मैं ऐसे घर पे तैयार नहीं रहती, मुझे कहीं जाना है इसीलिए मैं तैयार हूँ। चलिए ज़्यादा देर नहीं कर, मुझे ताला डालना है, बैग उठाना है और निकलना है। चलो करते हैं, चलिए वहीं पर मिलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं बैंक में पैसे निकालने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा। तो कितना आया मुझे भी नहीं पता, पहले तो मैं एंट्री कराई, फिर उसके बाद अभी हम निकालेंगे। और अब आप लोगों को मैं घर चल के बताऊंगी कि कितना कैसा इसमें आया है, और बस यही कहना चाहती हूँ। और इसके बाद फिर हम घर जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। अरे वो नंबर गाड़ी चालू थी। हाँ चालू है, तो अभी हो जाएगी। हम लोग आ गए हैं और पता चल गया होगा कि कहाँ गए थे, बैंक गए थे। तो आप लोगों की आज शिकायत जो है ना वो दूर होने वाली है। खोलो। और आज का वीडियो का टाइटल देखकर तो आप ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की मेरी मतलब पेमेंट को लेकर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो मैं वही बात करूँगी। और उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मेरी जो सिस्टर लोग हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो बहुत से लोगों ने चैनल खोला हुआ है, स्टार्ट किया है, तो सभी लोग मुझसे राय मांगते हैं कि आप लोगों आपने कैसे यूट्यूब पर आए, कैसे वीडियो बनाए, तो कैसे मतलब बहुत सारे। उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अपने अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने अपने जो आप कर सकते हो उसको उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग ही कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लॉगिंग मत कीजिए, मतलब कीजिए पर अपने हिसाब से, कि आप किस चीज़ में आप अच्छे से कुछ कर सकते हो। या आप जैसे कि मैं बोलूँ, आप सिलाई से लेकर, जैसे आपको सिलाई आती तो सिलाई कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, या कॉमेडी बना सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आप जिस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं उस टॉपिक पर बनाइए, लेकिन अपने कंटेंट पे ध्यान रखकर बनाइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये तो सभी जानते हैं। और मैं कोई बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को समझाऊँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा। बस मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप ब्लॉगिंग कैसे करते हो। और एक चीज़ और, मैं ब्लॉगिंग सिर्फ मेरे एक छोटा सा मोबाइल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बात तो मैं आप लोगों से क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है। और बस अब आप लोगों की दुआ है और आशीर्वाद है, आगे जो भी हो पाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है जितना मुझसे हो पा रहा, मैं उतना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है यूट्यूब पर अगर आते हैं ना तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सभी जानते ही हैं। बस ये है कि मेहनत कभी कभी जल्दी भी कामयाब हो जाती है, लेट भी होती है, तो ऐसा होता है। तो अपने आप अपने हुनर को देखकर अपनी वीडियोस को बनाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट रखें, सब कुछ रखें, और सबके मतलब है ना, आप थोड़ा थोड़ा देखें सीखें तो सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो मैं ऐसे ही करके करती हूँ और अभी भी सीखती जाती हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब आप लोगों को मैं अपनी पेमेंट दिखाती हूँ और अपनी पूरी फैमिली के साथ, अभी तो मैंने आप लोगों से अकेले बात की, अभी सारी फैमिली के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ये सब आप लोगों की वजह से, मतलब पेमेंट आई है, मेरी आई, लेकिन राजा बन के ये गिन रहे हैं, कार्तिक और ये मेरे हस्बैंड कितने मजे ले रहे हैं, क्या इधर देखने की फुर्सत ही नहीं, कुछ तो बोलो कितने एक्साइटेड है, खुश है, ये की बात है अपने की बहुत है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ।
तो पिछले वीडियो पिछले क्या जब से मेरी पेमेंट आई है तब से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप अपने फर्स्ट यूट्यूब की जो मतलब कितनी पेमेंट आई है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ गया, और मतलब जितने वीडियो बनाने में नहीं लगी मुझे मेहनत, पहले मुझे बिल्कुल वो लगता था, मैं सच बोल रही हूँ, कि बहुत आसानी है फटाफट से बना लो वीडियो और डाल दो, तो ऐसा वाला काम था। लेकिन जब से ये जो आता है ना पिन, गूगल से पिन नंबर आता है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो उसमें हुई है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो उसी में मुझे टाइम लग गया। और सिर्फ अभी मैं आप लोगों से सिर्फ पेमेंट के बारे में बता दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पूरी जो अपनी पेमेंट है उसके बारे में शो नहीं कर सकती, तो उसकी जो उसके अंडर में बता सकती हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मुझे 2 साल चैनल हो गए स्टार्ट किए, और 1.5 साल मुझे मेहनत करने में लग गई, और 1.5 साल के अंदर अंदर फिर उसके बाद मेरा पेन आया जो कि आप लोगों ने देखा, और उसके बाद मुझे 5 महीने की, पूरे 5 महीने की मेहनत जो मैंने की वो मुझे मिली। तो बहुत पहले आ जाना रहा, लेकिन गलती फिर पता नहीं कैसे क्या मेरी थी कि जो भी, तो वो आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, आ गई, उसमें भी किसी को कुछ नहीं बोल रही मैं। तो 5 महीने की मेहनत, तो 20 से 25 के अंडर में मेरी जो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट है वो आई थी, मैंने आप लोगों से बता दिया। और सेकंड पेमेंट आई है अभी, तो सेकंड पेमेंट का मैं बता देती हूँ। इसका मैं आप लोगों को कीमत बता दूँ, तो जैसे कि हम एक गैस चूल्हा और 2 सिलेंडर शायद इतने लगभग इसके अंडर में आ सकता है, तो इतनी पेमेंट हमारी सेकंड पेमेंट आई हुई है। तो बस ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है, और आप लोगों की ही वजह से है, आप लोग जो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब पसंद करते हैं, और मेरे वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को जो मेरा रियल लाइफ स्टाइल रहता है वो ही देखने को मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और आज की वीडियो में काफ़ी दिनों से बोलने वाली थी लेकिन नहीं बोल पा रही थी, पर आज की वीडियो में बोलूँगी कि मुझे 9 साल तक 50,000 की फैमिली कर दीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा एहसान रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा इसी वीडियो में मैं लोगों को जवाब दे देता हूँ, मैंने लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि मैं काय के लिए आता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सुन लीजिए। तो मैं सही बताऊँ, मेरे को यकीन ही नहीं होता था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, मतलब ना यहाँ के लोग ना लोग बताते हैं ना कोई बताता है, मतलब कुछ जानते ही नहीं जैसे यूट्यूब में कुछ पैसे मिलते हैं, अनजान से उनसे पूछो तो वो हंसते हैं। जैसे अभी यूट्यूब से दोस्तों पेमेंट तो आ गया है, अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं मनोरंजन के लिए जाएंगे कुछ, मतलब तो लोग हंसेंगे, हो सकता है हम लोग वीडियो बनाए तो ये सोचेंगे ये लोग कर क्या रहे हैं, हो सकता है वो मजाक बना के हम लोग के ऊपर। हाँ ये तो है कि मतलब अभी भी विश्वास नहीं करते, जो भी हो चाहे वो फैमिली का हो चाहे मोहल्ले का हो कोई भी हो। अभी यदि हम लोग हो सकता हम लोगों को बताया कि हम लोगों के पास यूट्यूब से पेमेंट आया तो वो यकीन ही नहीं करेंगे, तो मैं भी यकीन नहीं करता था। पहले क्या होता था, जब मकान बन रहा था हम लोगों का, मकान का काम चालू था तो ये चली जाती थी वहाँ, मतलब मैं तो अपने काम पे जाता था, आप लोगों को बताया होगा कि मैं जॉब करता हूँ थोड़ा, यहाँ डॉक्टर के पास काम करता हूँ, तो ये बताया करती थी कि यूट्यूब से ऐसा ऐसा होता है, तो मेरे को तो यकीन ही नहीं होता था कि यूट्यूब से पैसे आते, तो मैं भी इसको मना करता था, रात को आता था बोलता था कि क्या ये फालतू ये काम है ये सब मत किया करे, नहीं बोलता था, मैं ऐसे नहीं बोलता था, तो इसको मैं ना ही कर देता था। तो यहाँ तक कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब यकीन ही नहीं होता था कि ये यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं, इसलिए थोड़ा वैसे बताऊँ तो मेरे को ये अच्छा लगता है, ये कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मतलब यकीन ही नहीं होता कि आप लोग मतलब फैमिली टाइप के बन गए, नहीं बन गए, मतलब इसलिए मैं सामने आता हूँ और कुछ कारण नहीं इसका। बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना आप लोगों के कमेंट्स के ज़्यादा से हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि बहुत ही जितना भी आ रहा है भगवान की कृपा से हम मतलब उतने में भी हम बहुत खुश हैं, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और भी ज़्यादा मुझे भी बहुत बड़ी वाली फैमिली चाहिए जो कि आप लोग मुझे 9 साल तक, अभी भी काफ़ी टाइम है, तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर 9 साल तक मुझे
बड़ी वाली फैमिली बना दीजिए। तो आप लोगों से बात करते करते ना थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं लगता है ना एकदम, मतलब है ना कैमरे के सामने पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती थी, अभी भी हो जाती हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा सा हो जाती हूँ, पर जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और हैप्पी हो जाती हूँ। तो बस अभी बहुत दिनों से आप लोग जानना चाह रहे थे, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मुझे कितना क्या मिला। अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बता पाएंगे, अब अगली वीडियो में देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि, या फिर अभी देखती हूँ। हाँ बोल रहे हैं मैंने सोचा था कि आप लोगों को थोड़े से कुछ सवाल जवाब जो भी हैं मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बोल पाएंगे, और कुछ नहीं बोल पाए, मुझसे ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो बस अब देखते हैं, किसी दिन बिहाइंड द कैमरा वीडियो बनानी पड़ेगी जब जाके ये कुछ सवालों के आप लोगों के जवाब दे पाएंगे, और सच में इतने एकदम मतलब है ना धमाकेदार इनके जवाब होंगे ना, तो आप लोग सुनोगे तो खुश हो जाओगे। तो अब दोबारा से एक बार और बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखा करें, सपोर्ट किया करें, प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फैमिली दोस्तों सबके साथ शेयर किया करें, तो थोड़ी सी और हमारी हेल्प हो जाएगी, तो हम लोगों के और भी जो भी काम है वो होते जाएंगे, सब आप लोगों की वजह से है। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप कार्तिक भी आ जा, कार्तिक भी आप लोगों से बोल रहा है, दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही बस आगे हमारे चैनल को बढ़ाते रहें। अब मैं सोच रही हूँ जब इस लाइन में आई हूँ तो फिर आगे काम करती रहूँ। तो आज का वीडियो मैंने बस यहीं तक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।